नमस्कार बच्चों, आयशा नदफ एजुकेशनल चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। तो बच्चों, आपको हिंदी व्याकरण के बारे में वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज हम देखेंगे हिंदी विषय का व्याकरण में उपघटक है स्त्रीलिंगी शब्दों का वचन बदलना। तो ये स्त्रीलिंगी शब्दों के बारे में कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम समझेंगे और उदाहरणों को देखेंगे। इसका पहला नियम है अकारांत स्त्रीलिंगी शब्द एकारांत बन जाते हैं। उसके उदाहरण देखेंगे हम, बात बातें, रात रातें, शर्त शर्तें, धुन धुनी, आवाज आवाजें, किताब किताबें, लहर लहरे और पतंग पतंगे। दूसरा नियम देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एकारांत बनते हैं। तो देखेंगे उसके भी उदाहरण, दिशा दिशाएं, भाषा भाषाएं, माला मालाएं, यात्रा यात्राएं, सीमा सीमाएं, हवा हवाएं, सेना सेनाएं, महिला महिलाएं। इसी तरह इसमें बदल होता है। अब देखेंगे ईकारांत वाले शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंगी शब्द, ये याकारांत कैसे बनते हैं। उदाहरण देखेंगे इसके भी, औषधि औषधियाँ, ध्वनि ध्वनियाँ, हानि हानियाँ, मूर्ति मूर्तियाँ। इसी तरह अगला नियम है ईकारांत स्त्रीलिंगी शब्द या अंत वाले बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उदाहरण के स्वरूप में देखेंगे, साड़ी साड़ियाँ, सुई सुइयाँ, रोटी रोटियाँ, बेटी बेटियाँ, नदी नदियाँ, परी परियाँ, खुशी खुशियाँ, घड़ी घड़ियाँ। अब देखेंगे अगला नियम उकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों के बारे में एकारांत कैसे बनते हैं। तो उसके उदाहरण देखते हैं हम, ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। उकारांत स्त्रीलिंगी शब्द भी उसमें कौन सा बदल होता है देखेंगे, झाड़ू झाड़ूएं, वधु वधुएं। अब या अंत वाले शब्दों में कौन सा बदल होता है पहचानो आप। देखो उदाहरण, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया। ये देखो हमने देख लिया शब्दों को। अब कुछ अलग नियम, पुरुषवाचक सर्वनाम के वचन में क्या बदल होता है। आप लोग लिखेंगे, तू तुमको तुम लोग, मैं हम यह ये वह वे, इसी तरह पुरुषवाचक को बदल होता है। आपने अभी देखा उदाहरण, स्वाध्याय देखेंगे हम, आपके पाठ्य पुस्तक में आए हुए शब्दों के वचन बदल कर उसकी सूची बनाओ, अपने टीचर को दिखाओ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे मैं आपको अलग अलग वीडियो हिंदी व्याकरण के आपके लिए लाया करूँगी। धन्यवाद बच्चों।